गुड मॉर्निंग एवरीवन, लास्ट जीएससी थर्ड ईयर की क्लास चल रही है आपका, सॉलिड स्टेट के बारे में। लास्ट क्लास में आप लोग क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ चुके थे कि उसमें किस टाइप से क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है, यूनिट सेल, प्रिमिटिव सेल, विग्नेस्टेड सेल और पूरा स्ट्रक्चर। अब इसके बाद सिस्टम पर, तो क्रिस्टल का जो अरेंजमेंट होता है हर एटम के लिए अलग अलग होता है, तो अगर केमिकल अलग अलग होगा जो फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल है वो भी अलग अलग होगा। तो पूरे यूनिवर्स में देर आर 14 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, यानी कि 14 तरीके से क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है। इस पूरे 14 फॉर्म को ब्रेवेस ने क्या किया है, 7 सिस्टम के अंदर कन्वर्ट किया, यानी जो 14 है और 14 में से कुछ जो सिमिलैरिटीज थी, उस सिमिलैरिटी के बेसिस पे इस पूरे 14 सिस्टम को 7 सिस्टम में इंक्लूड किया। वो 7 सिस्टम्स हैं, टाइडल क्यूबिक, टेट्राहेड्रल, कोरोम्बस, टेट्राहेड्रल, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। देयर आर 7 सिस्टम्स ऑफ क्रिस्टल, ये पूरे विश्व के 7 सिस्टम्स। इनकी सब टाइप्स भी हैं जिनका कॉम्बिनेशन दैट इज द 14 टाइप ऑफ क्रिस्टल्स। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, क्रिस्टल सिस्टम जो फॉर्मेशन होता है दैट इज द 14 टाइप्स है, लेकिन ब्रेविस ने कुछ सिमिलैरिटी के बेसिस पे इस 14 सिस्टम को 7 सिस्टम्स के अंदर कन्वर्ट। इस 14 7 सिस्टम के अंदर फर्स्ट वी आर स्टडी दैट इज अ क्यूबिक सिस्टम। जब भी कोई क्रिस्टल फॉर्म करता है तो आप लोग जानते हैं कि उसका थ्री डायमेंशन है, टू डायमेंशन है, इट मींस उसका ए बी सी यानी कि एक्स एक्सिस में उसकी लेंथ, बी वाई एक्सिस में उसकी लेंथ और सी जेड एक्सिस में उसकी लेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बी है ए बी सी। चूंकि जब क्यूब की बात करें तो क्यूब में सारे साइड्स इक्वल होते हैं, दैट इज ए बी और सी आपस में इक्वल है। जब सारे साइड्स भी इक्वल है और उसका एंगल भी 90 डिग्री होगा, द क्रिस्टल इज सेड टू बी अ क्यूबिक क्रिस्टल कहा जाता है। यानी कि एक क्यूब है, यहाँ पर मैं क्यूब फॉर्म करती हूँ, इस क्यूब के अंदर यानी कि डिस्टेंस ऑफ ए बी और सी तीनों ही आपस में इक्वल हो जाए तो इस क्रिस्टल को मैं क्यूबिक क्रिस्टल। लेकिन सिर्फ साइड से इक्वल नहीं होनी चाहिए, इनके बीच में टू डायमेंशन के जो अल्फा बीटा और गामा एंगल्स हैं ये सारे एंगल 90 डिग्री के बराबर होते हैं तो ही ये क्रिस्टल क्यूबिक क्रिस्टल कहा जाए। इस क्रिस्टल के थ्री टाइप्स हैं, पी प्रिमिटिव, आई और F। P का मतलब है कि एक क्रिस्टल जो उसके कॉर्नर्स के ऊपर लगभग 8 एटम्स कंबाइंड होते हैं। जब 8 एटम्स कंबाइंड होते हैं और एक क्रिस्टल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं दैट इज अ प्रिमिटिव। यूनिट सेल है, यूनिट सेल का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसको हम लोग यहाँ पर P से दिखाएंगे। पी के अंदर कुछ नहीं है, सारे ए एटम्स है जो कॉर्नर्स पर अरेंज होते हैं एंड सभी में ए बी सी और अल्फा बीटा गामा तीनों जो है वो बराबर है। इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट है जिसके अंदर एक एटम जो सेंटर पे इन्वॉल्व है, यानी कि इस स्ट्रक्चर के अंदर एट एटम नहीं होकर के 9 एटम्स होते हैं। 9 एटम्स होंगे तो हर एटम्स जो है आपस में कंबाइन करके स्ट्रक्चर बनाता है और सेंटर वाला जो बॉडी सेंटर्ड जिसको कहते हैं, बॉडी सेंटर्ड हर एक एटम से कंबाइन है, क्योंकि सब एटम से कंबाइन होकर तो ही वो सेंटर में रहेगा। अगर उसके अपर साइड्स में कंस्ट्रक्शन ज्यादा होता है तो एटम ऊपर की तरफ फिट कर जाएगा, नीचे की तरफ कंस्ट्रक्शन होगा तो नीचे की तरफ फिट कर जाएगा, साइड से कंस्ट्रक्शन होगा तो वन साइड रह जाएगा। यहाँ पर सभी एटम्स का कंस्ट्रक्शन लगभग आपस में बराबर होता है, इसीलिए एटम उस क्रिस्टल के सेंटर पर स्टोर। इसमें 9 एटम्स हैं, लेकिन इसका एक्स एक्सिस में ए बी और सी तीनों बराबर है और इनके बीच में टू डायमेंशन का एक्सिस के बनने वाला एंगल दैट इज अल्फा बीटा और गामा 90 डिग्री है, इसीलिए इसको भी एज अ क्यूबिक क्रिस्टल क्रिस्टल ही कहा जाता है। क्यूबिक क्रिस्टल अभी आपने दो टाइप के पढ़ लिए, फर्स्ट टाइप हो गया है देन सेकंड। थर्ड टाइप के अंदर आता है ए, थर्ड
थर्ड टाइप को कन्वर्ट करने के लिए दैट इज यानी कि इसकी हर फेस के ऊपर एक ही पैटर्न है. अगर इसके टोटल नंबर ऑफ फेस 6 हो तो 1 एटम 2 एटम 3 एटम 4 एटम 4 एटम है. ये चारों के चारों एटम उसकी जो स्पेस है उसको कवर करेंगे. इट मींस उसका जो कवर होगा कवर के जितने भी कवर के ऊपर कितने कॉर्नर्स आते हैं दैट इज 4 कॉर्नर्स ऑफ एन एटम. तो चार के चार उसकी फेस के ऊपर अगर होगा तो चारों के चार उसको कंस्ट्रक्शन इसलिए वो कहीं सेंटर में नहीं होता उसके फेस के होगा. अनादर फेस के ऊपर भी एटम सारे एटम्स लीड करते हैं कंस्ट्रक्शन होगा. यहाँ पर भी सिमिलर है वन एटम टू एटम थ्री एटम फोर एटम. ये तो हमारे 1, 2, 3 और 4 फेस की बात. हम लोग ये जानते हैं कि क्यूब के लगभग 6 फेस होते हैं. चार दीवारों के आसपास टॉप भी होता है और एक बॉटम भी होता है. जब इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं तो सेंटर में आगे का फेस भी होगा और पीछे का फेस भी होगा. जब आगे और पीछे के दो फेस होंगे तो यहाँ पर हमें दो एटम को डिफाइन वन एटम को मैं डैश जो आगे की तरफ है दैट इज अ सिंगल एटम. जो पीछे की तरफ है डैश एटम यानी कि फर्स्ट वाला जो फेज है ये फेज क्या कर रहा है इस एटम को कवर कर रहा है इस एटम को कवर. इसके पीछे वाला अनादर फेज है. इसको क्लियर स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर देती हूँ क्योंकि इतने सारे ये समझ में नहीं आता. अब इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको फोर फेस के अलावा फ्रंट फेस और बैक फेस दोनों क्लियर दिखाई दे ठीक है. इस एटम को मैं फर्स्ट फेस मान लेती हूँ जो आगे की तरफ होता है. इसको मैं बैक फेस मान लेती हूँ जो कि पीछे की तरफ. अब फर्स्ट वाला जो फेस है इसके चार कॉर्नर्स हैं तो चार कॉर्नर्स हैं तो चारों के चारों एटम्स क्या करते हैं इसके चार कॉन्स्ट्रक्शन हो जाते हैं ठीक है. इस एटम की बात करो तो इस एटम के भी कॉर्नर्स के ऊपर चार है. यहां पर भी क्या है इट मींस कि इस क्रिस्टल में एक तो कॉर्नर्स पे लगे हुए हैं और 6 फेस पे लगे हुए हैं. इट मींस कितने हो गए 8 + 6 = 14 यानी कि 14 एटम्स हैं. लेकिन इसका ए बी सी आपस में बराबर होगा और अल्फा बीटा गामा जो तीनों एंगल्स है वो भी आपस में 90 डिग्री होते हैं. तो इस क्रिस्टल को भी क्यूबिक क्रिस्टल ही कहा जाता है. इस क्रिस्टल को एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है क्योंकि इसके फेस के ऊपर तो क्यूबिक क्रिस्टल के भी तीन टाइप होते हैं. फर्स्ट वाले के अंदर सिर्फ 8 एटम्स होते हैं. सेकेंड के अंदर 9 एटम्स होते हैं और थर्ड वाले में 14 एटम्स होते हैं. लेकिन उसका बेसिक स्ट्रक्चर सेम है इसीलिए उसको क्यूबिक क्रिस्टल कहा जाता है. इसके बाद जो सेकेंड टाइप ऑफ एटम है दैट इज टेट्रागोनल. टेट्रागोनल क्रिस्टल का स्ट्रक्चर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे.